नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव का अर्थ होता है ऋषेन अर्थात ज्ञानेन भाति इति ऋषभ। ऋषभदेव भगवान के अवतार है, 24 अवतारों में ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश देना शुरू किया। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, आप शुरुआत अपने घर से करें। ऋषभ देव ने उपदेश शुरू अपने घर से किया, ऐसा उपदेश दिया नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टाय कामान अर्हते विदभुजाम। भैया यह शरीर जो है दुख उठाने के लिए नहीं है, यह शरीर भजन करने के लिए। भजी राम सब काम बिहाई। और ऐसा उपदेश दिया 100 पुत्रों में 81 पुत्र ब्राह्मण व्यक्ति अपना लिए कि हम पूजा पाठ ही करेंगे भाई, और कुछ नहीं करेंगे। यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान करेंगे, दान लेंगे, यही काम। 9 पुत्र तो महात्मा हो गए, 9 पुत्र जिसको अंतिम दिन हम आपको सुनाएंगे, 9 योगेश्वर का प्रसंग। और बाकी जो बचे थे उनको राजधर्म सिखाया। सबसे बड़े पुत्र हुए भरत, राजऋषि भरत, उनको राज सौंप करके स्वयं भजन करने के लिए वन में गए। और ऋषभ देव को ही आचार्य मानकर एक संप्रदाय है जिसको जैन संप्रदाय कहते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। हाँ, और बड़ा बढ़िया, खूब त्यागपूर्ण है। जैन, जैनी अपने को अलग ना माने, जैन भी हमारी परंपरा से ही है।